गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कल घूम गए थे क्या? कल कुछ काम था बच्चे इस चक्कर में। लॉकडाउन में कौन जाता है घर से बाहर? मैं जाती हूँ कभी कभी, कोरोना लेने जाती, पता मिलता नहीं है। लेकिन कोरोना कुछ दिन पहले आना था ना तू मेरे। अरे तू गांव में है ना यार, पंडरिया में नहीं है ना। चलो तो अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया था। हाँ सॉरी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया था। करेंगे करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सर हाँ बच्चे। सर थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बताया कीजिए ना। ठीक है ठीक है, हिंदी में बताऊंगा। सुनो क्या है ये टर्म्स, हाँ ये फिजियोलॉजी के जो टर्म्स है ना वो ज्यादातर कॉमनली जो यूज होते हैं ना वो इंग्लिश वाले ही होते हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा बीच में, चिंता मत। ओके। देखो जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने ब्लड वाला पार्ट में बोला था कि ये ब्लड के बारे में डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे जब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसी जगह पे दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में हम जो टिश्यू है ब्लड एज अ टिश्यू उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आज। ठीक है चलो स्टार्ट करें। यस स्टार्ट करें सर। हाँ बच्चे बोलो सर। वो जो पहले वाला चैप्टर में पढ़ाया था ना कि मतलब श्वसन को कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं, वो ना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था। क्या क्या कैसे कर सकते हैं? मतलब वो जो आरसीसी और पॉन्स वगैरह में जो रहते हैं ना, वो क्या क्या बोलते हैं, लयन केंद्र क्या है और कुछ कुछ सिस्टम, वो क्लियर नहीं हो रहा था वो टॉपिक। कौन सा? रेस्पिरेटरी कंट्रोल। हाँ भाई। हाँ ब्रेन में जो सेंटर्स हैं वो, ब्रेन में जो सेंटर्स हैं वो। हाँ सर, जो मेड्यूला और पॉन्स पे जो अलग अलग रहते हैं ना वो। हाँ हाँ ओके ओके। देखो उसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात। क्या सिंपल सी बात ध्यान रखना कि कुछ इस टाइप का सिस्टम है। सेरेबेलम है ये ब्रेन स्टेम वाला पार्ट, ब्रेन स्टेम ये ब्रेन वाला पार्ट है, यहाँ पर ब्रेन है ना, और ये सेरेबेलम है। हम बात कर रहे हैं इसकी, ये वाला पार्ट जो है ये है पॉन्स, पॉन्स वेरोलाई, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। ठीक है, अब सेंटर्स जो है वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट है? पॉन्स पे कुछ सेंटर है, मेडुला पे। यदि कोई बोले मेन सेंटर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में, वो कौन है? जो कॉमनली जनरल है वो मेडुला ओब्लॉन्गेटा। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मेडुला ओब्लॉन्गेटा जो है यहाँ पर दो सेंटर्स, साइड व्यू में देख रहे तो ऐसा दिखेगा, फ्रंट व्यू में देखोगे यदि तो फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा? फ्रंट व्यू में एक सेंटर यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, साइड से देख रहे तो दो दिख रहे हमें, पेयर में होते, जोड़े में होते ही। ठीक है, तो यहां पर जो सेंटर है नीचे की तरफ मेडुला ओब्लॉन्गेटा में, वहां पर दो सेंटर हैं। कौन कौन से? जो ऊपर वाला है होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DRG, डॉर्सल गैंग्लियन। ठीक है, और जो इधर होगा आगे की तरफ वो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो दो ग्रुप हो गए। अब इसमें डॉर्सल वाला ग्रुप जो है ये कंट्रोल करता है किसको? जो नॉर्मल ब्रीथिंग है उसको, नॉर्मल ब्रीथिंग। यानी यहां से इंपल्स आएगा किसके पास में? नॉर्मल रेस्पिरेशन में कौन कौन सा मसल काम करता है? एक तो EICM काम करता है, इंस्पिरेशन में EICM और डायाफ्राम,
तो उसको कंट्रोल करेगा कौन? उसको कंट्रोल करेगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। नॉर्मली इससे रेस्पिरेशन कंट्रोल है, चल रहा है चल रहा है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगी जब बॉडी के अंदर तुमने देखा क्या हुआ, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। कौन कौन है जो इनको इनकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कितना एच प्लस है कितना CO2 है? कुछ सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कैरोटिड बॉडी है, एओटिक बॉडी है, जैसे ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इनके लिए, तो वो क्या करते हैं, वो इनको बताते हैं डॉर्सल ग्रुप को या वेंट्रल ग्रुप को या इवन पॉन्स वाले सेंटर को। तो ये क्या करेगा, ये डीआरजी जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा इसको भी, और क्या हो जाएगा, ये वेंट्रल ग्रुप जो है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, वेंट्रल न्यूक्लियस, वो क्या कर देगा, ये न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा किसको, जो एसेसरी मसल्स होती है, यानी कि जो फोर्सफुल एक्सप्रेशन में हेल्प करती है, कौन सी, आईआईसीएम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हुआ या एब्डोमिनल मसल हुए। तो आईआईसीएम, ये वेंट्रल ग्रुप जो है वो मेनली किसको, किस में हेल्प कर रहा है, फोर्सफुल ब्रीदिंग, जब हमें फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी पड़ रही है तो उस टाइम पे इस ग्रुप का इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। अब इन ये दोनों ग्रुप जो है डॉर्सल और वेंट्रल मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में, इनको कंट्रोल करते पॉन्टाइन सेंटर जो होते हैं वहां पर, पॉन्स के अंदर जो नर्व के ग्रुप्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉन्टाइन सेंटर, जिसमें दो आते हैं, कौन कौन से, एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर और एक होता है न्यूमोटैक्सिस सेंटर। दो सेंटर है यहाँ पर भी, ठीक है, कौन कौन सा, न्यूमोटैक्सिस सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। तो ये दोनों सेंटर भी क्या करेंगे, इन इनके ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे, यानी जरूरत पड़ेगी तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा, ये आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल ये भी इस तरीके से ही डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है उसको कंट्रोल करेगा, उससे आगे जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। तो तुम तो बस ये ध्यान रखो कि कंट्रोल करने के लिए क्या है, दो सेंटर है, एक मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में, एक पॉन्स में। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और मेडुला और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, पॉन्टाइन सेंटर जो होते हैं वो दो होते हैं, न्यूमोटैक्सिस और एपन्यूस्टिक। कैसे कंट्रोल करते हैं, भाई मेनली डॉर्सल रेस्पिरेटरी नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, बाकी जब भी अब नॉर्मल कंडीशन आएगी तो बॉडी के अंदर यदि एच प्लस सीओ टू या एसिडिटी वगैरह बढ़ती है तो इनको इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कैरोटिड बॉडी, एरोटिक बॉडीज, और ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ब्रेन के अंदर ये सेंटर्स जो है उसके अकॉर्डिंग एक्टिव हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? बहुत है ना, हाँ। तो आगे बढ़े, चलो तो फिर अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है, बॉडी फ्लूइड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड बह रहा है, वो अलग अलग होगा। जैसे हम बात करें किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसके अंदर क्या होता है, इंट्रा सेलुलर जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है या न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रहे हैं, सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है। यदि हम बात करें स्पॉन्जेस की और हाइड्रा की, तो उनके अंदर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर जो वाटर है वो फ्लूइड मूव कर रहा है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। यदि हम बात करें अब स्पेशली ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर वो फ्लूइड जो इनमें हेल्प कर रहा है वो क्या है, ब्लड और लिम्फ है, जो कि किसका पार्ट होता है, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आते हैं, ब्लड आता है और लिम्फ आता है, ठीक है। ब्लड और लिम्फ में यदि मेन डिफरेंस की हम बात करें, तो तुम्हें पता होगा कि ब्लड जो होता है वो मेनली रेड कलर्ड होता है और लिम्फ जो होता है वो थोड़ा सा पेल या कलरलेस टाइप का होता है। और इसके अंदर ब्लड के अंदर मेनली आरबीसी होता है, इसकी वजह से कलर है, लिम्फ जो है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी होगा, फ्लूइड लिक्विड जो होते हैं दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम टाइप के होते हैं, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह ये सब कुछ ज्यादा होंगे, प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा होंगे, लिम्फ के अंदर रिलेटिवली कम प्रोटीन होंगे, और जो जो चीजें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है वहां से वो उसे कलेक्ट करके वापस से हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में डालता है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे बाद में। तो वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाता है,
ब्लड और लिम्फ आ जाता है, ब्लड जो है उसको हम वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में रख रहे हैं। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है कि ब्लड के अंदर फाइबर्स वगैरह नहीं होते हैं, तो कंसिस्टेंसी कैसे हो जाती है? लिक्विड और उसके अंदर सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर यदि हम ब्लड की स्टडी की बात करें तो ब्लड की स्टडी जो है उसे हम क्या बोल देते हैं? हिमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी हिमेटोलॉजी। ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस हीमोबायसिस। दो टर्म ध्यान रखना बस, हिमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी होती है, हीमोबायसिस ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का कलर कैसा होगा? रेड। पीएच कैसा होगा? स्लाइटली एल्कलाइन 7.4। वेट के अकॉर्डिंग देखें तो अराउंड 7-8% बॉडी वेट, यानी 4-5 लीटर फीमेल के अंदर और 5-6 लीटर मेल के अंदर ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये तो बात हो गई। ब्लड जो है उसके रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, और अब देखो ब्लड के कंपोनेंट्स। ब्लड के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है? दो मेन कंपोनेंट देख रहा हूं मैं, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स या फिर कॉर्पसल्स या फिर ज्यादा अच्छा टर्म है सबसे कौन सा, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा और दूसरा है इसके अंदर क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है सेल्स या कॉर्पसल्स। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये कॉर्पसल्स क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जैसे नॉर्मली बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच है या ग्रुप में प्रेजेंट है, इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड में यानी कि फ्लूइड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर फ्लो कर रहे, एक दूसरे से अलग अलग है और उसके अंदर मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कॉर्पसल्स नाम जो है वो दे दिया जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट कॉर्पसल्स जो है इसके अंदर कौन कौन से टाइप के होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन टाइप के सेल्स आते हैं। कौन कौन से तीन टाइप के सेल आते हैं? एक आता है आरबीसी जिसको कि एरिथ्रोसाइट्स बोलते हो, एक आता है डब्ल्यूबीसी जिसको कि ल्यूकोसाइट बोल देते हो, और एक आता है प्लेटलेट्स जिसको कि क्या बोल देते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं। तो ऐसे थ्री डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यदि हम ब्लड के अंदर इन कंपोनेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं तो हमने क्या किया? हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड रखा, एंटीकोएगुलेंट मिलाया और इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अब केंद्रीकरण, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे तुम देखोगे ग्रेजुअली इसके अंदर क्या होगा, थ्री पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट ये पूरा जो रेड कलर का दिख रहा है, इसके अंदर क्या है मेनली? इसके अंदर आरबीसी, इसके अंदर क्या है? आरबीसी। फिर इसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर दिखेगी, ये क्या है? ये डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, और इसके ऊपर क्या दिखेगा? इसके ऊपर जो पार्ट है वो है क्या? प्लाज्मा। तो इस तरीके से तुम्हें पार्ट्स दिखेंगे। क्या क्या पार्ट दिख रहा है? ये वाला पार्ट जो है वो प्लाज्मा है, यहां से यहां तक वाला पार्ट जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा जो है वो अराउंड 55% होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो 45%। इस पार्ट को फॉर्म्ड एलिमेंट जो है इसको दो नाम से जानते हैं, क्या? या तो इसे बोल देते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी, सुना है क्या? और या फिर बोल देते हैं हिमेटोक्रिट वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट। तो ये दो वर्ड जो है वो यूज करते हैं हम किसके लिए? ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट है, पीसीवी या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हिमेटोक्रिट। तो इस तरीके से ब्लड का कंपोजिशन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ब्लड के अंदर क्या क्या होगा, क्लियर है क्या सबको? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में देखो प्लाज्मा सिस्टम, प्लाज्मा को डिटेल में।
प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा लिक्विड वाला वाला पार्ट यानी मैट्रिक्स है. इट इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड. ब्लड का मैट्रिक्स वाला पार्ट है. फॉर्म्स 55% जो है वो पार्ट बना रहा है. और इसके अंदर यदि कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्या होगा? बहुत सारा वाटर होगा. 92-93% पार्ट जो है वो क्या है इसका? वाटर है. थोड़ा बहुत सॉलिड होगा 7-8% और बहुत ही कम अमाउंट में गैसेस होंगे. तो कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लाज्मा में वो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में तुम्हें दिखाया हुआ है. क्या क्या पार्ट है? वाटर 92-93%, सॉलिड पार्ट 7-8%. अब इस सॉलिड पार्ट में क्या क्या आएगा? इस सॉलिड पार्ट के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे. ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड का वास्कुलर टिश्यू जो है इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस जो है उनको ट्रांसपोर्ट करना. डिफरेंट सब्सटेंस जो है उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है कौन? ब्लड. तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन ये प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होंगे एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस. अमीनो एसिड्स होंगे चाहे इसेंशियल है चाहे नॉन इसेंशियल टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे इनके अंदर. अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स हो गए. फिर अदर न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट होंगे. फैट के अंदर जो भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड ये सब होंगे. कुछ हॉर्मोन्स वगैरह हो सकते हैं. कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना. कुछ एंजाइम्स वो भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर. अमाइलेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एसिड फॉस्फेटेज एल्कलाइन फॉस्फेटेज लाइपेज एस्ट्रेज प्रोटीएज ट्रांसएमिनेज ऐसे सब सब्सटेंस प्रेजेंट है. और नॉन प्रोटीन कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो भी होंगे. अमोनिया क्रिएटिन क्रिएटिनिन ज़ेंथिन हाइपोज़ेंथिन यूरिया यूरिक एसिड कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे. ये ऑर्गेनिक पार्ट है. तो यहाँ पर ये पार्ट में लिखी रटने नहीं है, ये तुम्हें केवल क्या बता रहा है कि सर स्किन पे शो नहीं हो रहा. सर शो नहीं हो रहा कुछ. हो रहा वापस लेफ्ट होके देख तू एक बार वापस से करके देखो एग्जिट करके. ठीक है तो यहाँ पर तुम्हें ना ये चीजें रटनी नहीं है. ये तुम्हें क्या बता रहे है? सिर्फ तुम्हें ये बता रहा है कि ब्लड जो है उसका काम है जो डाइजेस्टिव फूड है उसको इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना. देन उसके बाद में यदि कोई एक्सक्रेटरी वेस्ट बॉडी में बन रहा है तो उसको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना. रेस्पिरेशन से जो गैसेस वगैरह है उसको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, एक्सचेंज करवाने में हेल्प करना. देन जो हार्मोन्स वगैरह बन रहे होंगे उसको एक जगह से लेना दूसरी जगह तक पहुंचाना. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होंगे. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होंगे? सारे सोडियम क्लोराइड फॉस्फेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयोडाइड आयरन कॉपर ये सब होंगे. ठीक है और गैस में ऑक्सीजन CO2 तो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ नाइट्रोजन भी डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो ये गैसेस होंगे. ठीक है तो ये कंपोजिशन होता है किसका? प्लाज्मा का. क्लियर हो गई इतनी बात. अब यहाँ पर प्रोटीन जो है वो कौन कौन से हैं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो एल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये सब होते हैं. ठीक है एल्बुमिन सबसे ज्यादा कितना? अराउंड 4%. ग्लोबुलिन अराउंड 2.5%. तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो जो होता है वो ध्यान रखना 2:1. एल्ब्यूमिन अच्छा सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? ये सब लिवर में सिंथेसाइज, ये लिवर में हो रहा है. ग्लोबुलिन जो है वो कहाँ पे हो जाएगा? वो लिम्फोइड ऑर्गन्स में बन जाएगा और लिवर में बन जाएगा और ये भी लिवर में बनेगी. तो लिवर में सिंथेसाइज होता है एल्ब्यूमिन जो है उसका मेन काम होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ BCOP. क्या होता है? ब्लड कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर. BCOP का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड कोलोइडल ऑन्कोटिक प्रेशर. तुम ऐसा मान के चलो ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर ही मेंटेन करे. यदि किसी की बॉडी किसी के ब्लड के अंदर BCOP घट जाए, मान लो BCOP किसी के ब्लड में घट जाए तो क्या हो जाएगा? तो एक तरीके से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया. यदि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? वहां से जो प्लाज्मा है या जो वाटर है वो निकल के कहां पर जाएगा? वो निकल के जाएगा टिश्यूज के अंदर. टिश्यूज के अंदर जाएगा तो क्या होगा? इडेमा वगैरह होगा. यदि तुमने देखा किसी को कि किडनी वगैरह में प्रॉब्लम है और मान लो
प्रोटीन जो है वो ज्यादा बॉडी से बाहर निकल रहे, ब्लड में प्रोटीन की कमी हो रही है, या खाने पीने में प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम ले रहा है, ब्लड में कमी हो गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बीसीओपी गिरने की वजह से उसकी बॉडी जनरलाइज स्वेलिंग जैसी हो जाएगी और इडेमा वगैरह हो जाता है, पैर खड़े हैं बहुत देर से पैर फूल गया, पैर में इडेमा हो गया, पैर फूल गया, और वो भी इडेमा कैसे होता है कि पैर फूल गया ना, उसमें यदि हम उंगली से ऐसे दबाएंगे ना उसको प्रेस करेंगे तो एक डिप्रेशन बनेगा और हटा लोगे तो तुरंत से हील नहीं होगा, वो थोड़ी देर धीरे 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 करके फूलेगा, तो उसको हम पिटिंग इडेमा बोलते हैं। तो ये सब तुम पढ़ोगे आगे मेडिकल साइंस में, पर ध्यान रखना कि एल्बुमिन मेनली क्या मेंटेन करता है, बीसीओपी ब्लड कोलाइडल ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन की बात करें यदि, तो ग्लोबुलिन जो है वो 2.5% है, लिवर में बनता है और लिम्फोइड ऑर्गेन्स के अंदर बनता है। ग्लोबुलिन जो मेनली किस फॉर्म में होता है बॉडी के अंदर, इम्यूनोग्लोबुलिन, तुमने जो पढ़ा है कौन सा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी पढ़ा है सब, ठीक है, तो ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है उससे बना है, और क्या कर रहा है ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, बचा भी रहा है बैक्टीरिया वायरस इन सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबुलिन। देन प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन 0.3% होता है, लिवर बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है किस प्रोसेस में हेल्प करेगा, क्लॉटिंग वाली प्रोसेस में, फाइब्रिनोजन भी बहुत कम है 0.3%, और ये लार्जेस्ट साइज का प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है एल्बुमिन, ठीक है, तो लार्जेस्ट है, और ये दोनों किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इतनी बात प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। देन इसके बाद आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं, मैंने बताया था फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स ही आते हैं, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोल रहे हैं और एरिथ्रोसाइट बोल रहे हैं, तो आरबीसी जो है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी उसको क्या बोल दोगे, एरिथ्रोबोसिस। आरबीसी की बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है उसका शेप, उसका साइज कितना होता है, पहले साइज बताओ, साइज ऑफ आरबीसी अराउंड 7.5 माइक्रोमीटर, शेप कैसा होता है, शेप होता है यहां पर देख पा रहे हो तुम कैसा दिख रहा है, ये तो गोलाकार टाइप का प्लेट जैसा, डिस्क जैसा दिखता है, डिस्क शेप, डिस्क शेप भी नहीं, राउंड ही बोलेंगे, शेप जो है वो कैसा है, राउंड सर्कुलर टाइप का, एंड बाय कॉनकेव, ये इंपॉर्टेंट है, कैसा शेप है, देखो यहां पर ये जो आरबीसी है ये क्या होता है, जैसे हमारी प्लेट होती है ना साइड से ऊपर बीच में से गड्ढे जैसा, ठीक है, उस टाइप की, यानी इस टाइप से, ये तो फ्रंट व्यू देख रहे हो और ये लेटरल व्यू देख रहे हो साइड से, तो साइड से कैसा है, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव होता है, डायमीटर 2.2 माइक्रोमीटर साइड्स में और सेंटर में 1 माइक्रोमीटर के आसपास, तो ये राउंड होगा और बाइकॉनकेव होगा, ठीक है, इसके अंदर यदि हम बात करें मैच्योर आरबीसी जो होता है उसको हम एरिथ्रोसाइट बोल रहे हैं, और मैच्योर आरबीसी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्या, एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है क्या, अदर सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होते क्या, नहीं होते, नो सर, नहीं होते, इसके अंदर स्पेक्ट्रेंस होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। अब यहाँ पर आरबीसी जो है उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, बोलो, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा क्या, बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एनएरोबिक, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ध्यान रखो माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडी ये सब क्या है, एब्सेंट है, नहीं है ये सब, कैसा होगा,
यदि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी नहीं है तो कैसा होगा? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, स्पेस बढ़ गया, साइटोप्लाज्म में स्पेस बढ़ गया, उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली परमिएबल होती है सोडियम पोटेशियम के लिए, नहीं सॉरी, हाईली परमिएबल होती है किसके लिए, बाइकार्बोनेट के लिए और क्लोराइड के लिए, लिख देता हूँ, मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एंड लेस परमिएबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम आयन, इनके लिए लेस परमिएबल होती है। तो इस टाइप से आरबीसी जो है उसकी मेम्ब्रेन, क्या बोलते थे इसको हम, डोनेंस मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी जो है वो वैरी करती, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि साइज कितना है, 7.5 माइक्रोमीटर, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, कैपिलरी जिसका साइज अराउंड 5 माइक्रोमीटर होता है उससे भी ये इजीली पास कर जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आरबीसी कैन बी पास्ड और स्क्वीज्ड थ्रू, पास्ड थ्रू कैपिलरीज ऑफ अराउंड 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, यानी बहुत पतली कैपिलरीज जो है उससे भी ये क्या होगा, ये इजीली पास हो जाएगा, क्लियर हो गई बात सबको। और आरबीसी की सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे क्या होता है, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, पता है आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एंटीजन होंगे यहाँ पर, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ठीक है, या फिर एबसेंट हो सकता है, एंटीजन कैसे बनते हैं वो सारी बातें हमने जेनेटिक्स में पढ़ी थी, ठीक है, तो वो सब यहाँ पर प्रेजेंट होगा आरबीसी के ऊपर, क्लियर हो गई बात सबको। चलो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारा लार्ज अमाउंट में क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस तो तुमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं मेनली दो पार्ट है, यदि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कैसा प्रोटीन होता है, टर्सरी के क्वार्टनरी, हीमोग्लोबिन क्वार्टनरी प्रोटीन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर, यदि हम हीमोग्लोबिन काउंट की बात करें तो कितना परसेंट होता है हीमोग्लोबिन मेल के अंदर, एवरेज हाँ, तो एवरेज जो है वो 15% के आसपास, या ग्राम में यदि हम बात करें, फिफ्टीन ग्राम पर ml इतना होता है, फीमेल के अंदर यदि हम बात करें तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, रेंज है 15 के आसपास नॉर्मली हम देखते हैं मेल के अंदर, और बच्चों के अंदर और ज्यादा, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की यदि हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर दो पार्ट है, कौन कौन से, हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। हीम जो है वो क्या होता है, हीम के अंदर भी फर्दर दो पार्ट है, हीम जो है उसको यदि मैं बताऊं शॉर्ट में, तो आयरन पोरफायरिन, इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो है आयरन Fe+2 की फॉर्म में होता है, और पोरफायरिन, आयरन और पोरफायरिन, ये दो पार्ट होते हैं किसके अंदर, हीम के अंदर। और ये आयरन पोरफायरिन, याद है हमने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर याद है, बिल्कुल उसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर हीम वाले पार्ट की, जैसा उसका हेड था वैसी स्ट्रक्चर, जहां पर हम देखते हैं कि सेंटर में एमजी की जगह आयरन होगा और साइड में पोरफायरिन रिंग होगी। ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन जो है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड, कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं इनके अंदर, दो प्रकार का, फोर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। हर एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या होगा, एक एक हीम वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा। अब हीमोग्लोबिन अलग अलग टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मान लो एच बी
ए एच बी एफ एच बी ए टू डिफरेंट टाइप की हीमोग्लोबिन। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है इसमें से, एच बी ए होता है, जिसके अंदर चार पॉलीपेप्टाइड है, दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड। यदि हम बात करें किसकी, बच्चों के, तो बच्चों के अंदर एच बी एफ का मतलब फीटल हीमोग्लोबिन, ये मैक्सिमम है हमारे अंदर। एच बी एफ जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर दो अल्फा और दो गामा चेन होता है। एक बात ध्यान रखना कि फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा शो करता है, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने तुम्हें, ऑक्सीजन कैरी करने में ज्यादा एफिशिएंट होगा। और HbO2 जो होता है, HbA2 जो होता है, इसके अंदर दो अल्फा और दो डेल्टा चेन होते हैं। ये जो अल्फा चेन है इसमें कितने अमीनो एसिड होंगे, 141 अमीनो एसिड। अल्फा के अंदर कितने होंगे, 141 अमीनो एसिड। बीटा चेन है या डेल्टा चेन है उसके अंदर कितना होता है, 146 अमीनो एसिड। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, समझ गए क्या। और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं और इसकी वजह से ही क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई क्या हीमोग्लोबिन के बारे में। क्या हो बच्चे, हाँ बच्चे, पोरफायरिन क्या होता है। पोरफायरिन रिंग होती है, जैसे जैसे तुमने पढ़ा था आयरन चार तरफ से, नाइट्रोजन है, फिर कुछ इस टाइप की रिंग जैसी बन रही है, फिर पायरोल रिंग होता है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है, जो तुमने क्लोरोफिल के लिए पढ़ी थी, उसमें ये वाला पार्ट तो आयरन हो गया और ये बाकी पूरा पोर्शन जो है वही क्या है, पोरफायरिन, समझ गए। और ये क्या होता है, ये इस पॉलीपेप्टाइड के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई बात। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब एक मिनट रुक जाओ। अब इसके बाद में, अब इसके बाद में देखो आरबीसी के रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले जैसे आरबीसी काउंट कितना होता है, आरबीसी काउंट कितना होता है बताओ। नॉर्मली हमारे अंदर आरबीसी का काउंट कितना होता है, मेल के अंदर 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, यही होता है 5.5 मिलियन पर एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक है, 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। आरबीसी काउंट यदि बढ़ जाए, आरबीसी काउंट यदि इंक्रीज हो जाए, तो उस प्रोस तो उसे हम क्या बोलते हैं, कभी जैसे मान लो 5.5 से ज्यादा आरबीसी काउंट आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ। बोलो उसे क्या बोलेंगे, पढ़ाई क्या कभी नहीं, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया कंडीशन होती है जब आरबीसी काउंट ज्यादा हो जाता है। पहली बार पढ़ रहे हो क्या? नो सर, पढ़ा है, भूल रहे थे। ठीक है, और यदि आरबीसी काउंट कम हो जाए, आरबीसी काउंट कम हो जाए, ये तो मेल के अंदर है, फीमेल के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेल का है, फीमेल के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और बच्चों में क्या होगा, कम की ज्यादा, बच्चों में ज्यादा होगा 6.5 के आसपास। तो आरबीसी काउंट का कम होना क्या कहलाता है, एनीमिया। या तो आरबीसी काउंट कम हो जाए या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, दोनों ही केस में हम क्या बोल रहे हैं, उसे एनीमिया बोल। ठीक है, अब एनीमिया डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कैसे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं,
माइक्रोसाइटिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है, या फिर हाइपोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, या मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया अलग अलग टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, तुमने देखा कि जो नेल्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं, उनके अंदर जो रेडनेस जो होती है वो कम हो रही है, या आई के नीचे, हमने आईलिड के नीचे देखा, वहां पर हमने देखा कि क्या वो जो कैपिलरी बड बेड है वहां पर जो रेड जैसा दिखता है वो नहीं दिख रहा हमको, थोड़ा व्हाइटिश अपीयरेंस आ रहा है, पाम वगैरह जो व्हाइट से दिख रहे हैं। तो ये सारे सारे सिम्टम्स हो सकते हैं किसके, एनीमिया के हो सकते हैं, जिसमें आरबीसी काउंट कम होगा या फिर हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी काउंट नॉर्मल वैल्यू ध्यान रखना 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोमीटर माइक्रोलीटर। आरबीसी काउंट यदि बढ़ जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया, कम हो जाएगा तो एनीमिया। ऐसे ही आरबीसी का शेप देखा था हमने, आरबीसी का शेप यदि चेंज हो जाए, चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, क्या बोलोगे, सिकल सेल एनीमिया, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम एन आइसोसाइटोसिस। सर जैसे कि एनीमिया और जैसे सिकल सेल एनीमिया मतलब दोनों होते हैं ना, तो सर उसमें ब्लड्स की कमी होती है, तो सर उसका कोई इलाज नहीं है मतलब जो कम्प्लीटली हो सके उसका कोई ट्रीटमेंट? देखो अब एनीमिया अलग अलग टाइप के हैं, तुमने ही बोला एनीमिया किसकी वजह से हो सकता है। मैंने देखा कि फीमेल के अंदर एक कॉमन कॉज है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लड लॉस हो रहा है उस ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो रहा है, एक कॉमन कॉज है। तो क्या इसका इलाज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई आप आयरन सप्लीमेंट लो, फॉलिक एसिड लो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, तो हो सकता है। ऐसे ही मान लो किसी को इंजरी हुई, चोट लगी, उससे ब्लड लॉस हुआ, क्या किया, ऐसे ही जो सप्लीमेंट्स है वो दिए जिससे कि ब्लड जल्दी से फॉर्म हो सकता है। लेकिन अब तुमने एग्जांपल ले लिया, मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर का थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया, तो अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहाँ पर यदि ब्लड की कमी हो रही है तो फिर क्या करना होगा, तो हम ये सब सप्लीमेंट देंगे तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी करना पड़ सकता है। लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है, बार बार हमें ब्लड देना पड़ेगा या न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो उसका परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज कर सकते हो जब पॉसिबल होगी तब, ठीक है। ओके सर, तो सिकल सेल एनीमिया तो ठीक है, और सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? चलो देखो, तो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी साइज, चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी एनाइसोसाइटोसिस, मतलब जैसे एनीमिया के केस में हम देख रहे हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है, क्या साइज में चेंज, ऐसे ही मान लो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है, ठीक है, या फिर मेगालोब्लास्टिक और परनीशियस pernicious anemia, तो macrocytic anemia किसकी वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ध्यान रखना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोसाइटिक, और मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक या परनीशियस एनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड वगैरह जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसी से। तो यहां पर क्या है, आरबीसी का साइज चेंज हो रहा है, क्या बोल देंगे, एन आइसोसाइटोसिस। देन चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, इसके लिए हम टर्म यूज कर लेंगे क्या, पॉइकिलोसाइटोसिस, जैसे सिकल सेल एनीमिया वाली केस थी, तो सिकल शेप हो जाना आरबीसी का, क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे पॉई
किलोसाइटोसिस। ठीक, कुछ टर्म ध्यान रखना, एनाइसोसाइटोसिस, पॉलीक्लोसाइटोसिस, पॉलीसाइथेमिया, ये सब चीजें क्या होती है। क्लियर हो गई इतनी बातें सबको? आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। यस, लगभग जो है वो 120 डेज, 122-127। क्लियर हो गई बातें? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात की हमने आरबीसी के रिलेटेड। हाँ बच्ची सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि सिकल सेल एनीमिया जेनेटिकली होती है, वैसे जो नॉर्मल एनीमिया होती सिकल सेल नहीं, वो जेनेटिक वाला नहीं होता है क्या? नहीं, सारे जेनेटिक नहीं होते। जैसे अभी तुमने बात, अभी मैंने बताया कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एनीमिया हो रहा है, तो उस एनीमिया को क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल है वो, उसको जेनेटिक थोड़ी बोलोगे, वो तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है। समझो, खाना नहीं खा रहा है कोई, आयरन सप्लीमेंट उसकी बॉडी में कम जा, आयरन का अमाउंट कम जा रहा है, तो उसमें उसको क्या बोलोगे? बोलो, उसे जेनेटिक बोल दोगे क्या? नो सर, नहीं जेनेटिक नहीं। ठीक है ना? नो सर। हाँ ठीक, ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं हम ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस मतलब प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। अब हालांकि आरबीसी पढ़ रहे तो स्पेसिफिकली बात करते हैं आरबीसी की, बट यहाँ पर एक साथ ही सारे मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा इस डायग्राम के थ्रू। तो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो होती है हीमोपोएसिस, और पर्टिकुलरली प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रो अब देखो, यहां पर हमारे अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पर होता है? हीमोपोएटिक ऑर्गन के अंदर एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हेल्प करते हैं। ये हीमोपोएटिक ऑर्गन कौन कौन से? हीमोपोएटिक ऑर्गन कौन कौन से? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज के अंदर सबसे पहले यॉर्क सेक जो होता है वो हीमोपोएसिस का काम स्टार्ट करता है, ब्लड फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद जब ऑर्गन बनने लग जाएंगे तो लिवर, और उसके बाद में स्प्लीन। यानी वन मंथ पे जो ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा वो यॉर्क सेक से होगा, लगभग 2-3 मंथ पे जब स्टार्ट होगा तो लिवर, फिर उसके बाद में स्प्लीन, और ग्रेजुअली जब हमने देखा 4-5 महीने में बोन वगैरह फॉर्मेशन होने लगा, बोन मैरो बनने लगा, तो फिर कौन करेगा? बोन मैरो। ठीक है, तो ग्रेजुअली एम्ब्रियो स्टेज में इस तरीके से हीमोपोएटिक ऑर्गन बना। बाद में क्या होता है एडल्ट के अंदर, यदि हम बात करें या आफ्टर बर्थ बात करें, आफ्टर बर्थ तो क्या हो जाएगा? यॉर्क सेक खत्म, लीवर स्प्लीन भी बंद कर देते हैं, बोन मैरो जो होता है, और बोन मैरो में भी कौन सा? रेड बोन, रेड बोन मैरो। तो आफ्टर बर्थ जो है वो रेड बोन मैरो जो है वो ब्लड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये रेड बोन मैरो प्रेजेंट कहां पर होता है? इनिशियली जब बच्चा था, यंग स्टेज में था, तब लॉन्ग बोन्स के अंदर भी रेड बोन मैरो था, स्पॉन्जी बोन के अंदर जो ट्रैबिकुली है उसके अंदर भी बोन मैरो था बच्चे में, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है जो लॉन्ग बोन है जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, टिबिया फिबुला है, तो उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर रेड बोन मैरो को येलो बोन मैरो रिप्लेस कर देता है। पता है ये सारी बातें? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाद में जो हमारे अंदर जो स्पॉन्जी बोन है जिनके अंदर ट्रैबिकुली वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वहां पर क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हीमोपोएटिक ऑर्गन। ब्लड बनने के बाद में क्या हो जाएगा? डिफरेंट सेल जो है वो बोन मैरो से किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें आता रहेगा। तो बोन मैरो के अंदर होते हैं कुछ स्पेशलाइज, मतलब कुछ सेल्स जो कि क्या है, जो कि बनाते हैं सारे के सारे डिफरेंट टाइप के प्रीकर्सर सेल आरबीसी के जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उनको। तो सबसे मेन जो स्टेम सेल्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं? प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स, और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स में कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इसको तुम सीधे बोलना चाहो तो बोल सकते हो ये है एरिथ्रो
ब्लास्ट, और ये है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर मेगा कैरियोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो यहां पर ये डिफरेंशिएट होता है किसके अंदर, माइलोब्लास्ट में और मोनोब्लास्ट के अंदर, और लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बन जाएगा, लिम्फोब्लास्ट। यानी मेन जो सेल्स आ गए पिक्चर में वो कौन से आ गए, एरिथ्रोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। ये जो माइलोब्लास्ट है इससे न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, यानी ये माइलोब्लास्ट जो है वो कौन से बना देगा, ये बना देगा जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो। माइलोब्लास्ट से क्या बन गए, ये तीनों न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, ये तीनों क्या है, ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। मोनोब्लास्ट क्या है, ये एक ग्रेन्युलोसाइट है, लिम्फोइड सेल्स जो है उससे लिम्फोसाइट्स बनते जाएंगे। और मेगा कैरियोसाइट एक बड़ी सेल होती है जिससे टूट टूट के छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर मेनली तुमको जो देखना है वो ये देखना है कि जब एरिथ्रोपोएसिस हो रहा है तो क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है प्रो एरिथ्रोसाइट, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली तुम देखोगे न्यूक्लियस का साइज छोटा होता जाए, लेट नॉर्मोब्लास्ट बनेगा, फिर रेटिकुलोसाइट्स बनेंगे और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, एरिथ्रोसाइट बन जाएगा। इस तरीके से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब लेट नॉर्मोब्लास्ट बनता है तब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाता है। यानी जब डेवलपमेंट चल रहा था उस टाइम पे एरिथ्रोब्लास्ट जो है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ग्रेजुअली क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, और डिसअपीयर होने के बाद में अंदर रेटिकुलर नेटवर्क बन जाएगा, स्पेक्ट्रम वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट में आ जाएगा जब ब्लड में, तो हम उसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये स्टेजेस है और स्टेजेस में तुम्हें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है, इसके अंदर ग्रेजुअली न्यूक्लियस डिसअपीयर हो रहा है और हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है बस। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीसी जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोएसिस बोल देंगे। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद में डब्ल्यूबीसी के बारे में, नेक्स्ट फॉर्मड एलिमेंट डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट। देखो डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करें ब्लड के अंदर, तो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है कितना, अराउंड 4,000 to 11,000 per mm cube भी बोल सकते हो या microliter भी बोल सकते हो। ठीक है, इतना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि हम ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC कंपेयर कर सकते हो WBC और RBC को, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंट का रेशियो बताओ, कैलकुलेट करो। रेशियो ऑफ आरबीसी काउंट एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बताओ, कर सकते हो क्या? ये तो एवरेज वैल्यू, और नॉर्मली हम देखते हैं यदि हम अपना टीएलसी करवाने जाएंगे तो वैल्यू आएगी लगभग 7,000 to 8,000 के आसपास। ये एवरेज वैल्यू 7,000 कितना आ रहा है, कितना रेशियो आ रहा है, कर लो ना, 5.5 मिलियन रेशियो 7,000, लगभग 700:1 के आसपास का रेशियो आएगा। नॉर्मली बुक्स में जो रेशियो लिखा हुआ मिलता है वो 600:1, यानी 600 आरबीसी पे एक डब्ल्यूबीसी तुम्हें मिलेगी। ठीक है, ये रेशियो होता है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से दो टाइप है, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स
जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट स्टेन से स्टेन होते हैं, तो ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें नहीं होगा ग्रेन्युल साइटोप्लाज्म में ए ग्रेन्युलोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप के हो गए, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को फर्दर देखें तो इसमें तीन टाइप के डब्ल्यूबीसी आते हैं। कौन कौन से तीन टाइप के आते हैं? एक आता है एसिडोफिल, जिसको हम बोल देते हैं इओसिनोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल्स, और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। नाम से कुछ पता पड़ रहा है क्या? यस सर। इओसिनोफिल्स एसिडिक डाई, इसको एसिडोफिल भी बोलते हैं, ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है। नाम है इओसिनोफिल, इओसिन से या एसिडिक डाई से स्टेन होगा। फिल का मतलब लविंग वाला, जो बेसोफिल बेस लविंग है, खुद साइटोप्लाज्म एसिडिक होगा और बेसिक डाई से स्टेन होगा। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल है, एसिडिक बेसिक किसी भी डाई से स्टेन हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल। तो ऐसे तीन होते हैं। और ए ग्रेन्युलोसाइट, इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं है, दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में भी दो टाइप के हैं, कौन कौन से? स्मॉल एंड लार्ज, या फिर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये तो हमने काफी सारा पढ़ा था जब हम लिम्फोसाइट्स के बारे में, जब हम इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी कौन कौन से होते हैं वो तुमने देख लिए। डिटेल में देखें अब इनके बारे में। देखो ये टेबल मैंने बनाई है बड़ी मेहनत करके एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम भी कट पेस्ट किया, देखो। ये तुम पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने एनसीईआरटी के जितने पॉइंट्स वो भी इंक्लूड करने की कोशिश की, ताकि एक छोटी सी जगह पे हम कंपैरेटिवली सारी बातें पढ़ लें। तो इओसिनोफिल एसिडोफिल क्या होगा, इसके अंदर देखो यहाँ पर इस डायग्राम में भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर इओसिनोफिल या एसिडोफिल के अंदर कोर्स ग्रेन्यूल है, थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे से ग्रेन्यूल है जो इओसिन स्टेन से डाई हो रहे हैं। यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू से स्टेन हो रहे हैं। यहाँ पर फाइन ग्रेन्यूल हैं जो किसी से बीओसिन से या मिथाइलिन ब्लू से स्टेन हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल उस डायग्राम ऐसे ही डायग्राम है। यहाँ पर क्या है, ऐसे ग्रेन्यूल से जो किससे एसिडिक डाई से स्टेन हो रहे हैं। इओसिनोफिल जो है इसके अंदर कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं तुम्हें? एक की दो, एक न्यूक्लियस की दो न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक ही बच्चे, लोब दो है। हाँ, लोब दो है मतलब, है ना। तो सिंगल न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, बाइलोब्ड है। इओसिनोफिल का साइज अराउंड 10-14% होगा, 2-3% जो है वो अमाउंट में प्रेजेंट है, बाइलोब्ड होता है, 14 आर अराउंड लाइफ स्पैन है ब्लड के अंदर, और बॉडी को मतलब हमको एलर्जी या पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाता है। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होगा वो कितने लोब्ड होगा, यहाँ पर कितने लोब होंगे? थ्री लोब्स। हाँ, जनरली हम देखते हैं कितने, थ्री लोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से। कैसा है ये? ट्राइलोब्ड है, कुछ इस तरीके से। एक ही न्यूक्लियस है, लोब्स ज्यादा है, ठीक है। और इसको इसके अंदर जो कोर्स ग्रेन्यूल है वो इस टाइप के हैं, खुद वो एसिडिक है, बेसिक टाइप के डाई से या मिथाइलिन ब्लू से स्टेन हो सकते हैं। 0.5-1% होता है, बायलोब्ड या ट्राइलोब्ड होगा, 10 आर इसका लाइफ स्पैन है। और ये क्या बनाता है, हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन, ये सब कुछ बनाने का काम करता है बेसोफिल। जो मास्ट सेल का काम था वही काम यहाँ पर बेसोफिल का होता है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये रिलेटिवली देख रहे 10-12 माइक्रोमीटर। न्यूट्रोफिल का अमाउंट सबसे ज्यादा 60-65%, 3-5 लोग, 12 आर इसका लाइफ स्पैन है, फेगोसाइटिक नेचर का होता है। क्या तुम्हें पता है कि न्यूट्रोफिल को हम और क्या बोलते हैं? आर्मी। क्या न्यूट्रोफिल्स को हम माइक्रो पुलिसमैन भी बोलते हैं? क्या पढ़ाई क्या कभी ऐसा? यस यस। इसको हम और क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम माइक्रो पुलिसमैन, माइक्रो पुलिसमैन बोल देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स जो है उन्हें हम माइक्रो पुलिसमैन बोल देते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स जो है वो
बड़े साइज के होंगे, देखो 12 टू 20 माइक्रोमीटर काफी बड़ा है, अप टू 30 माइक्रोमीटर हो सकते हैं ये। 6 to 8% होता है। न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, किडनी शेप या बीन शेप होता है। ब्लड के अंदर इनका लाइफ स्पैन लेस देन 24 आवर होता है, और इससे हम क्या बोल देते हैं, मैक्रोपोलिस में। ये दोनों के दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, दोनों के दोनों फेगोसाइटिक एक्टिविटीज जो है वो शो करते हैं। और लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, तो टी सेल्स हैं और एक बी सेल्स है, ठीक है। इनके अंदर खास बात यदि हम देखें तो न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है, न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा हो जाएगा, पेरिफेरल हो जाएगा। 6 to 16 माइक्रोमीटर का होगा, 20 to 25% लिम्फोसाइट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लाइफ स्पैन जो है ब्लड के अंदर 5 to 7, लिम्फोइड ऑर्गन में बहुत लंबे टाइम तक भी रहते हैं। सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल में तुम्हें सारी बातें जो है वो पता पड़ गई, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की या थ्रोम्बोसाइट्स की। प्लेटलेट्स का साइज कितना, सबसे कम 2 to 3 मीटर। 2 to 3 क्या होगा, मीटर होगा क्या? नो सर, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हम ही नहीं है, ठीक है। लाइफ स्पैन जो है वो कितना, 2 to 4 या 5 डेज। काउंट जो होता है 1.5 to 3.5 लाख पर mm³, ठीक है। बहुत क्या होता है, सेल के मेगाकैरियोसाइट के ब्रेक डाउन होने से बन रहा है, तो इरेगुलर सेल है। न्यूक्लिएटेड होगा कि नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। डिस्क शेप या ओवल शेप हो सकता है, बाइकॉन्वेक्स टाइप का हो सकता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिफिक लाइक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होता है, ठीक है। इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, थ्रोम्बोस्टेन। देन थ्रोम्बोसाइट, अच्छा ल्यूकोसाइट के रिलेटेड भी ऐसे एक दो पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ कि यदि ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाए तो क्या बोलोगे, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाए तो क्या बोलोगे, ल्यूकोसाइटोसिस। यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कितना, मोर देन 1 लाख, तब क्या हो गया भाई, तब इसका मतलब हो गया कैंसर, ल्यूकेमिया, ठीक है। और यदि ल्यूकोसाइट कम हो जाए तब क्या बोलोगे, ल्यूकोसाइट कम हो जाए तब क्या बोल दोगे, पीनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ये दो टर्म ध्यान रखना, ल्यूकोसाइटोपिनिया, दो टर्म ध्यान रखना। यदि काउंट बढ़ता है तो ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब बढ़ना और पीनिया मतलब कम होना, ठीक है। ये दो टर्म ध्यान रखना। यहां पर भी देखो, और यदि प्लेटलेट कम हो रहे तो क्या बोलोगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यदि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाला केस है तो उस केस में क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करे, प्लेटलेट क्लॉटिंग में हेल्प करें। यदि इनका काउंट कम हो जाए, कितना, लेस देन फोर्टी थाउजेंड हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस के अंदर हम देखते हैं कि सीवियर सिम्टम आते हैं, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, रैशेस बनने लग जाते हैं। डेंगू वाले केस में कॉमनली देखने को मिलता है ये, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पुरपुरा डिजीज बोल देते हैं, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से स्पॉट्स बन जाना स्किन के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। अब देखो ब्लड ग्रुपिंग, अब हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो उसको स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो दो टाइप का ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है मेनली। एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं आरएच सिस्टम, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किसने डिस्कवर किया था, लेन स्टेनर। इनको हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी बोल देते हैं। क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन, कहां पर होते हैं ये एंटीजेंस प्रेजेंट, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, आरबीसी सरफेस, यस, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। याद होगा जेनेटिक्स में मैंने तुम्हें बताया था कि यदि एन एसिटाइल गैलेक्टोजेमिल ट्रांसफरेज आकर के एच एंटीजन पे जुड़ता है तो ए ब्लड ग्रुप बन जाता है। सिर्फ गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज जो है वो काम करेगा तो उस केस में बनेगा बी एंटीजन, और यदि कोई भी एंजाइम नहीं होगा तो उसके अंदर ओ एंटीजन एंटीजन एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है, वही चीज बता रहा हूँ। देखो यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा,
ए एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा, यदि ए बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, ए और बी दोनों होगा, ओ है तो एंटीजन एब्सेंट होगा। ये तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी कहां पर होता है, एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी कहां पर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, सरफेस पे ए एंटीजन है, तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, एंटी बी होगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। जिसके पास दोनों एंटीजन है नो एंटीबॉडी, जिसके पास एंटीजन नहीं है उसके पास दोनों एंटीबॉडी। और इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए के लिए डोनर कौन हो सकता है, यानी ए रेसिपिएंट है तो ए को ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान से समझ लेना। कंसेप्ट ये है कि यदि ब्लड के बॉडी के अंदर जो एंटीजन है उसके अलावा कोई दूसरा एंटीजन नहीं आना चाहिए, यदि वो आएगा तो खतरा हो सकता है। यानी ए एंटीजन बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन ए के अलावा कोई दूसरा एंटीजन आ गया तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ए को कौन सा, कौन नहीं दे सकता है, बी नहीं दे सकता या ए भी नहीं दे सकता, क्योंकि बी आ जाएगा उसके अंदर तो खतरा हो जाएगा। दे कौन सकता है, जिसके पास ए एंटीजन हो या कोई एंटीजन नहीं हो। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए डोनर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा डोनर, या तो बी हो जाएगा या फिर ओ हो जाएगा। ऐसे ही ए बी ब्लड ग्रुप है, कौन हो जाएगा डोनर, अब इसके पास तो दोनों ही एंटीजन है, कोई भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। ओ वाले को कौन दे सकता है, सिर्फ ओ दे सकता है। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, यदि कोई भी एंटीजन आया तो खतरा हो जाएगा, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए डोनर क्या होगा, ओ ही होगा। अब यदि इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ कौन है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो है ए बी। क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं यूनिवर्सल डोनर कौन है, जो सबको ब्लड दे पाए वो यूनिवर्सल डोनर होगा। कौन है यूनिवर्सल डोनर, ओ। ओ। अब यहां पर यदि हम आरएच वाले ब्लड ग्रुप को पढ़ लें तो उसके अकॉर्डिंग ए बी पॉजिटिव की ए बी नेगेटिव की ओ पॉजिटिव की ओ नेगेटिव क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव बिल्कुल सही बात है और ओ नेगेटिव, वेरी गुड। कोई एंटीजन नहीं है, जिसको मर्जी पड़े दे दो, इसके पास सारे एंटीजन है जिससे मर्जी पड़े ले, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है वो तुम समझ गए। अब यहाँ पर यदि हम बात करें वर्ल्ड में या इंडिया में मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा है, ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा मिलेगा हमें ओ ब्लड ग्रुप वाले। इंडिया की बात करूं तो ओ ब्लड ग्रुप वाले मिलेंगे तुम्हें लगभग 37%। फिर सेकंड नंबर पे आता है बी ब्लड ग्रुप वालों का नंबर, बी वाले मिलेंगे लगभग कितने, ये मिलेंगे लगभग 32% के आसपास। फिर मिलेंगे ए ब्लड ग्रुप वाले लगभग 22% के आसपास, और रेस्ट जो है वो मिलेंगे तुम्हें ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल जो हैं, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ओ है, लीस्ट जो है या रेयरेस्ट जो है वो ए बी है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये तो हमारा हो गया ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे क्या होता है वो हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, हीमोलाइटिक रिएक्शन किसके साथ क्या होगी मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब बात करते हैं आर एच ब्लड ग्रुप। आर एच ब्लड ग्रुप का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसे डिस्कवर किया था कहाँ पर, रीशस मंकी जो है उसके अंदर ये ब्लड ग्रुप होता है, उसके अकॉर्डिंग एंटीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग रीशस आरएच ग्रुप जो है वो उसको नाम दिया गया था। ठीक है, अब आरएच ब्लड ग्रुप की बात करें, यदि प्रेजेंट होगा, यदि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आरएच पॉजिटिव। यदि नहीं है, आरएच एंटीजन यदि एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, वो आरएच नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पर्सन के अंदर
मोर देन 93% इंडिविजुअल जो है उसके अंदर ब्लड ग्रुप जो होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है, लेस देन 7% के अंदर ब्लड ग्रुप जो होता है वो आर एच नेगेटिव होता है। ठीक है, आर एच पॉजिटिव जो है मोर देन 93% में होगा, आर एच नेगेटिव जो है वो लेस देन 7% में होगा। ठीक है, अब आर एच इनकम्पेटिबिलिटी वाले जो केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी वाले केस क्या होते, क्या हुआ जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, और उसको यदि हमने पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया ए पॉजिटिव वाला, तो क्या होगा उसकी बॉडी के अंदर नया एंटीजन आ गया, नया एंटीजन आ गया, तो क्या हो सकता है ये हीमोलाइटिक रिएक्शन को इंड्यूस कर सकता है। कई बार हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन यदि कम अमाउंट में आया तो ठीक है चल जाते, लेकिन ये ज्यादा आया तो खतरा करेगा, लेकिन सेकेंड में तो फिर पक्के से डेथ हो ही जाएगी क्योंकि बॉडी सेंसिटाइज हो जाएगी, बहुत क्विक रिएक्शन होगा। और आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल जो है वो कॉमनली हम देखते हैं बच्चों के अंदर, यदि बर्थ के टाइम पे कई बार एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है ये आर एच एंटीजन, तो उसका एक एग्जाम्पल है क्या, इसका एक एग्जाम्पल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इसमें क्या होता है देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी बात है वैसे, तो क्या होता है कि यदि फादर आर एच पॉजिटिव है, फादर आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव मेल है और फीमेल जो है वो आर एच नेगेटिव, सपोज ऐसा केस, तो इस केस में क्या होगा जब भी, अब ये होमोजाइगस कंडीशन मान लो या हेटरोजाइगस कंडीशन मान लो, ठीक है, जब भी इनमें से क्या हुआ बच्चा जो इनका हुआ उसके पास एक भी प्लस आ गया, यहां से माइनस आया, यहां से तो हमेशा माइनस ही आएगा, फादर से प्लस आया, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेबी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बेबी का ब्लड क्या है आर एच पॉजिटिव है, और मदर जो है वो कैसी है आर एच नेगेटिव, बेबी इसका आर एच पॉजिटिव है, मदर जो है वो क्या है आर एच नेगेटिव। मदर जो है वो क्या है आर एच नेगेटिव, तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्रसव के टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड जो है वो थोड़ा बहुत मिक्स होगा, तो ये आर एच एंटीजन जो बेबी में था वो क्या करेगा वो मदर के अंदर ब्लड को क्या कर देगा डी मदर के ब्लड को क्या कर देगा सेंसिटाइज कर देगा, यानी कि क्या हो जाएगा मदर्स ब्लड कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन जो है उसके कॉन्टेक्ट में आ गया मदर का ब्लड, अब क्या होगा, अब पहला बच्चा तो चलो सरवाइव कर जाता है लेकिन अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे इन सेकेंड प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा डेथ में आकर बच्चे की डेथ हो जाती है मोस्टली। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसे ही हम क्या बोल देंगे, इससे ही हम बोल देंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यदि हम बचाना चाहते हैं बच्चों को, बच्चे को, तो हमें क्या करना चाहिए कुछ एंटीबॉडीज जो हैं वो दे देना चाहिए जो आर एच एंटीजन को वो कर ले, डिस्ट्रॉय कर ले, मतलब एंटी डी या रोगन जो है ऐसे कुछ यूज करते हैं हम एंटीबॉडीज, एंटी डी रोगन ये यूज करते हैं हम एज ट्रीटमेंट। क्लियर हो गई बात सर? हाँ बच्चे। सर ये क्या बोलते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ऐसा कैसा है, अगर दोनों पॉजिटिव रहता मदर और फादर दोनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, मदर फादर दोनों पॉजिटिव रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, फादर नेगेटिव रहता मदर पॉजिटिव रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो प्लस, हाँ हाँ लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। यस हाँ, बस ये ध्यान रखना लड़कियां, लड़की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लड़की नेगेटिव होगी तो बच्चों को दिक्कत। सर और अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए क्या? हाँ तो दोनों होना चाहिए, और यदि पॉजिटिव है तो अब आजकल उतना दिक्कत नहीं है, डॉक्टर को पहले बता दो तो वो क्या करेगा वो एंटीबॉडीज
तैयार रखेगा ताकि वो इस सिमिलैरिटी रिएक्शन को रोक पाए, ठीक है? अगर सर, हाँ हाँ बोलो बोलो सर, अगर लड़का भी पॉजिटिव है और लड़की ये नेगेटिव तो भी होगा क्या ये केस? यस बिल्कुल, लड़की नेगेटिव है ना तो हो जाएगा। हेलो सर। हाँ हाँ सर, इसमें जैसे ये एनटीडी और रोगन का यूज करने के बाद हमेशा सेकंड बच्चे को बचाया जा सकता है? यस यस सर, सेकंड से थर्ड भी बच सकता है क्या? बिल्कुल बच सकता है, हाँ ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम, ब्लड क्लॉट। देखो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स है, टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनके नाम यहाँ पर दिए, ध्यान रखना है। फर्स्ट फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम फोर्थ फैक्टर है, फिफ्थ प्रो एक्सेलरिन या लेबाइल फैक्टर बोलते हैं उसको, सिक्स जो है उसे हम, सिक्स जो है अननोन फैक्टर है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सिक्स फैक्टर इज अननोन। सेवन जो है उसे प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। एट जो होता है वो एंटी हिमोफिलिक फैक्टर है, एंटी हिमोफिलिक ए फैक्टर, इसकी कमी से क्या होता है, हिमोफिलिया होता है। फैक्टर नाइन जो है उसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट पीटीसी बोलते हैं, इसे क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, इसे इसकी कमी से हिमोफिलिया बी होता है। फैक्टर टेन जो है उसको स्ट्रुबर्ट प्रॉवर फैक्टर बोल देते हैं। फैक्टर इलेवन जो है उसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोल देते हैं और इससे हिमोफिलिया सी होता है। फैक्टर ट्वेल्व जो है उसे हेगमैन फैक्टर बोलते हैं, ये घर्षण से एक्टिव होने वाला फैक्टर है, फैक्टर 12। फैक्टर 13 जो उसको हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या लोकुलरन फैक्टर भी बोल देते हैं। ये जस्ट तुम्हें फैक्टर के नाम जो है वो एक बार रीड करने हैं। ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म जो होती है, क्लॉटिंग कैस्केड चलता है, उस मैकेनिज्म में क्या होता है, मेनली थ्री स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से थ्री स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या प्रोथ्रोम्बिनेज का बनना। अब दो पाथवे चलता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे इसको जल्दी से। यानी एक तो क्या हो रहा है, एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर स्टार्ट हुआ है और एक जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है वहां पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो पाथवे होते हैं, ठीक है? इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, इन दोनों पाथवे के थ्रू, अब ये कौन सा फैक्टर, कैस्केड का मतलब एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में इतना है नहीं, अपने को सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि दो पाथवे के थ्रू जिस बहुत सारे फैक्टर जो है वो एक के बाद एक्टिवेट हुए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं क्लॉटिंग कैस्केड, क्लॉटिंग कैस्केड मैकेनिज्म। क्लॉटिंग कैस्केड मैकेनिज्म जो है उसके अंदर लगभग सारे स्टेप्स हैं, उसके अंदर कैल्शियम जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैल्शियम लगभग सारे स्टेप में काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू क्या कर देते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिव कर दिए। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, ये जो कैस्केड मैंने बनाया उसके अंदर ध्यान से देखोगे तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 5 है। ये देखो फैक्टर 10 एक्टिवेटेड है, यहां पर भी फैक्टर 10 एक्टिवेटेड है जो काम कर रहा है, और ये देखो फैक्टर 5 एक्टिवेटेड है। तो ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 और 5 जो है ये प्रोथ्रोम्बिनेज का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, यानी सेकेंड स्टेप हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन जो है उससे थ्रोम्बिन का बन जाना। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन था, फाइब्रिनोजन क्या था, फाइब्रिनोजन जो है वो एक सॉल्युबल प्रोटीन था, ये फाइब्रिनोजन जो है वो सॉल्युबल था, इसको फाइब्रिन के अंदर इनसॉल्युबल फाइबर लाइक बना दिया, इनसॉल्युबल फाइबर लाइक बना दिया। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अब ये जो इंजर्ड साइट है उस इंजर्ड साइट पे जाकर के क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन कर देगा और वहां पर एक नेटवर्क बना देगा, जाल बना देगा जिसमें ब्लड के अदर कंपोनेंट फिट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, और वो फाइब्रिन क्लॉट बन जाएगा। करो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है? तो इस तरीके से एक बार वापस से सुन लो, क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है प्रोथ्रोम्बिनेज जो, उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, और ये फाइब्रिन जो होता है वो क्या होता है, वो नेटवर्क बना देता है जहां पर भी इंजर्ड साइट होता है, जहां चोट लगी है तो क्या होगा, वहां पर एक जाल बन गया और वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर WBC RBC ये सब क्या हो जाएंगे, वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, प्लग हो जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, सील कर देंगे। तो इस तरीके से थ्रोम्बस, इस तरीके से क्लॉट्स जो है और प्लेटलेट्स वगैरह वो क्या कर देंगे, क्लॉट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। क्लियर हो गई बात सबको?
ठीक है। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड जो है इसके बारे में आप देख लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो तो आज हमने टिश्यू जो वास्कुलर टिश्यू है उसके अंदर ब्लड वगैरह जो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिए। अब चैप्टर को कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहो। चलो बाय बाय सर। सुनिए ना सर, जैसे हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप रिवीजन फिर से कराएंगे ना? रिवीजन? हाँ? रिवीजन का तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन जब भी तुमको कुछ दिक्कत होगी कुछ भी होगा तो तुम मुझे पूछ लेना, ठीक है ना? मतलब हम कॉन्टेक्ट में रहेंगे, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे ना वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय सर। ठीक है, ओके बच्चे, बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय बाय।